आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपने जीवन काल के बारे में बताया है। उनका जन्म कुसुमपुर में 774 ईसा में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वही रहा करते थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन समय के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनके द्वारा किए गए कार्य आज गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित यानी कि एलजेब्रा का प्रयोग सबसे पहले किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया को कविता के रूप में लिखा था। इस पुस्तक में दी गई जानकारी खगोल शास्त्र और त्रिकोणमिति से संबंधित थी। आर्यभट्टिया में 33 नियम दिए गए हैं। आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी में घूमती है, इसी कारण रात और दिन होते हैं। मध्य काल में कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इस सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही कर दी। इस महान वैज्ञानिक को ज्ञात था कि चंद्रमा और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया था कि एक वर्ष में 366 की जगह 365 दिन होते हैं। आर्यभट्टीय में उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन है। आर्यभट्टीय में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का विस्तृत वर्णन है। वास्तव में ये गणित और खगोल शास्त्र का विस्तृत वर्णन है। आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं के ऊपर एक कार्य है, जैसे कि हमने अभी बताया। ये ग्रंथ लुप्त हो चुका है। इस ग्रंथ और महान गणितज्ञ के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उनके समकालीन वराहमिहिर के लेखनों से मिलता है। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का वर्णन है। इनमें मुख्य है शंकु यंत्र, छाया यंत्र, धनुर्यंत्र, गोलीय यंत्र, बेलनाकार यंत्र, जलघड़ी। आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट का भारत का विश्व के गणित और ज्योतिष शास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्यभट्ट ने आर्कमिडीज से सटीक पाई का मान बताया था। खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार बताया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी खोज उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना हजारों साल पहले की थी। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के वास्तविक परिधि 40,075.0167 किलोमीटर से सिर्फ 0.2% कम थी, वो भी आज के जैसे आधुनिक उपकरण के बिना। आर्यभट्ट हमारे भारत के गौरव है जिन्हें भुला दिया गया है और उनके किए गए कार्यों का उनका कभी वर्णन नहीं किया जाता। आर्यभट्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।